सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का निर्माण पूरा हो गया है और 28 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नए भवन का उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर देश की राजनीति गरमाई हुई है, लेकिन इन सब चीजों से परे आज हम आपको पुराने संसद भवन का इतिहास बताएंगे। पुराना संसद भवन का शिलान्यास 12 फरवरी को साल 1921 में हुआ था। इस भवन के निर्माण में कुल 6 साल लगे थे। 1921 में इस भवन का निर्माण शुरू हुआ और 1927 में बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया। पुराने संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन के हाथों हुआ था। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक भारत के वाइसरॉय थे। यही कारण रहा कि उन्हें इस भवन का उद्घाटन करने का मौका मिला। अब अगर आपके मन में यह सवाल है कि इतने विशाल भवन का डिजाइन किसने किया था, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। इस पार्लियामेंट हाउस को ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था। उस समय इस भवन को बनाने में कुल 83 लाख रुपए लगे थे। अब के नए संसद भवन को बनाने में करीब 1200 करोड़ रुपए लगे हैं। आपको एक रोचक बात बताते हैं। पुराना संसद भवन 566 मीटर डायमीटर में बना था। 1956 में जब संसद में थोड़ी और जगह की जरूरत पड़ी, उस वक्त 2 मंजिलों को और जोड़ा गया। यह भवन आकार में गोल है। इसकी बाहरी छोर में 144 विशाल खंभे हैं। इस भवन के बीच में एक गोलाकार हॉल है और इसके इर्द गिर्द 3 अर्धवृत्ताकार हॉल यानी कि सेमी सर्कल हॉल है, जिसमें से एक हॉल को चेम्बर ऑफ प्रिंस कहा जाता था, जिसे अब लाइब्रेरी हॉल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा था स्टेट काउंसिल, जिसमें अब राज्यसभा है, और तीसरा था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें अब लोकसभा के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिस भवन का। लेकिन नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद क्या पुराने संसद भवन को तोड़ दिया जाएगा? ये सवाल तो लाजमी है। इसका जवाब है नहीं। उद्घाटन के बाद सबसे पहले पुराने भवन की मरम्मत की जाएगी, उसके बाद उसके उपयोग के बारे में सोचा जाएगा। खबरों के अनुसार इस भवन को संग्रहालय में भी तब्दील किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि संसद भवन का निर्माण तो 1927 में हुआ था, उस वक्त भारत आजाद नहीं था, तो संसद भवन का निर्माण पहले कैसे हो गया? दरअसल इस भवन को अंग्रेजों ने अपने लिए बनाया था। अंग्रेजों के शासनकाल के समय इसे हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता था। इस भवन में ब्रिटिश सरकार की विधान परिषद काम करती थी। आजादी के बाद उसी विधान परिषद को संसद भवन के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा, और आज 96 साल बाद इस संसद भवन का गौरवपूर्ण इतिहास का समय अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद से भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत नए संसद भवन में लगा करेंगी, पर पुराने संसद भवन का भी इस्तेमाल सरकारी आयोजनों के लिए जारी रहेगा। जाहिर है, जिस संसद में कभी पंडित नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने देश की विकास गाथा लिखी, आज उसे संसदीय कामकाज की आधुनिकता को ध्यान में रखते हुए पुराने भवन का त्याग किया जा रहा है। आपको ये खबर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।